दोनों पैर तोड़े गए हैं। रोड रोड ये घटना है जी, दरवाजे बढ़ा कर देखते रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी पता नहीं चल रहा। उनका हम प्रशासन से अपील करते हैं जी, उनका एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और फिलहाल हम पहुंच गए हैं पानीपत के गड्डी बलौर गांव में। और भाई गड्डी बलौर गांव में बड़ी दुखदाई हृदय विदारक घटना जो है वो घट गई है। यहाँ पर एक जवान लड़के की जो है घर से बुला करके दोस्तों के द्वारा ही जो है हत्या कर दी जाती है। फिलहाल हम पीड़ित परिवार के साथ जुड़ गए हैं और पीड़ित परिवार में हमारे साथ उस भाई जो गुजरा है, क्या नाम था भाई भाई का? संदीप जी। संदीप, संदीप के परिजन जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राम राम भाई। राम राम जी। क्या कुछ घटना घटी भाई, ये मतलब कब की घटना है? ये घटना है जी 16 तारीख को शाम की जी। शाम को 16 तारीख को मेरे भाई को छोटे को घर से बुलाया गया और उसको दारू पिला के गांव से बाहर ट्यूबवेल पे उसकी रोड़ों के लो टांगे और दोनों बाजुए दोनों पैर तोड़े गए जी। उसका मर्डर किया गया है दारू पी के। तो मर्डर किया जिन्होंने, जिन्होंने घर से बुलाया, क्या आप लोगों को पता है वो कौन बंदे? उनका अभी पता नहीं चल रहा। उनका हम प्रशासन से अपील करते हैं जी, उनका जल्द से जल्द पता लगाए दोषियों का और जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा होए। हाँ जी। तो ऐसा हो भाई, मान ले 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले कभी भाई का रोड़ा होया हो किसी के साथ या किसी बात की कहा सुनी हो, कुछ लेन देन हो पैसे का? ना कोई रोड़ा नहीं जी, ये पूरा गांव खड़ा हमारा, किसी से भी पूछ सकते हो आप, कोई किसी से रोड़ा रबदा नहीं, कोई किसी से रंजिशबाजी नहीं है जी उसकी। वो तो जी पता नहीं कैसे धोखे से बुला के क्या किया, रात को मार दिया उसको और उसके ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये मिट्टी में रुला दिए। तो भाई आप देख सको क्या मिलता है आप लोगों को भाई, दोस्ती पहले दोस्ती करते हो, दोस्ती करके मिठा बनकर बंदे को घर से बुलाते हो, घर से बुलाने के बाद उसको दारू पिलाते हो, दारू पिलाने के बाद उसका मर्डर कर देते हो। ऐसी क्या रंजिश थी भाई, क्या बिगाड़ा था उस गरीब बच्चे ने आपका? अरे छोटी मोटी कहा सुनी भी थी या कुछ लेन देन था, कुछ भी था, एक्स वाई जेड आपका कुछ भी मैटर था, तो अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर लेकर के आप ऐसे आदमी मारोगे, मर्डर करोगे, तो भाई ये ठीक नहीं होता। आपने उस एक बच्चे का मर्डर नहीं किया, एक परिवार का मर्डर कर दिया, उसके परिवार में ये देखो छोटे छोटे फूल, ये बच्चे, इन बच्चों का क्या कसूर था भाई, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर था जो आज ये बच्चे अपने पिता को कहीं ना कहीं जब भी बाहर से कोई बंदा आता है तो ये टकटकी लगाए दरवाजे पर आकर देखते रहते हैं, कहीं हमारा पापा तो नहीं आ गया, हमारे पापा कब आएंगे। कितना दर्दनाक यह दृश्य है, इन बच्चों के सिर से जो है इनके पिता का साया जो है आप लोगों ने छीन लिया, लेकिन बचोगे आप लोग भी नहीं भाई। कानून जो है आप लोगों को बहुत जल्द गिरफ्तार करेगा, कानून की नजर में कोई भी बच नहीं सकता। पुलिस प्रशासन तो धरती के तख्ते तले काट लिया मुजरिम ने, आपकी तो औकात क्या है भाई, इस गरीब परिवार ने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? एक बार कैमरामैन से कहूंगा भाई सभी को दिखा। तो भाई साहब ये बाइक के काम करया कर रहा था? ये ड्राइवरी करे था जी, गाड़ी चलाता था। अच्छा। हाँ जी। तो ऑटो ऑटो था या मान लिया इको पिको? ऑटो चला रहा था जी, यहीं पे छाजपुर गांव के लोडिंग वाला जी। हाँ ये चलाता था जी। तो भाई देख लो बेचारा मजदूरी कर रहा था, खा रहा था, अपने बच्चा ने पाल रहा था, किसी के साथ कोई, हाँ जी, कोई वो नहीं था, अपने बच्चों ने, गरीब आदमी था, अपने बच्चों ने पाल रहा था, मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहा था बच्चों का, किसी का क्या बिगाड़ था, गांव में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उसकी, किसी के साथ कोई कभी भी कही सुनी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे फोन आया 8:30 बजे के करीब फोन आया है, तो क्या घर पर बता नहीं गया वो किसी को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को, भाई मैं फलाने बंदे का फोन आया मेरे पास और मैं उनके पास जा रहा हूँ? नहीं, वो घर से तो बस यही कह के गया मेरी मम्मी को मैं दुकान से बीड़ी लेके आऊं। अच्छा। तो दुकान पे गया वो, दुकान से बीड़ी लेके, और हमने दुकान वाले से बात करी, वो बोला यहाँ से बीड़ी लेके और उधर बापोली वाले रास्ते पे पैदल ही गया वो, और आगे ही मिले हैं उसको, जो बंदे मिले हैं आगे ही मिले हैं और उन्होंने उसके साथ वारदात की है, उसका मर्डर किया है। बताया गया है जब सुबह एम्बुलेंस ने उसको उठाया तब तक उसके जो है सांस चल रही थी, जब सुबह उसको उठाया गया 11 बजे के करीब, वो उसकी संभाली हुई है, तो 11:30 बजे तो उसको धड़कने चल रही थी, और जब उसको हॉस्पिटल ले जा गया तो रास्ते में उसके प्राण निकल चुके थे, हाथ पैर बताया गया तोड़े हुए थे उसके। हाँ जी, दोनों पैर तोड़े गए हैं रोड रोडों के साथ,
और जी दोनों हाथ तोड़े गए हैं उसके, और मुंह पे भी चोट थी उसके जी बहुत ज्यादा। तो भाई आप देख सको हो यहां पर कितनी जो दुर्दांत था, नरसंस था, जो यहां दिखाई गई है, एक लड़के के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और उसको इतनी कड़ाके की ठंड में, जबकि दो दो रजाई ओढ़ने के बाद भी ज्यादा नहीं रुकता लोगों का, कब कभी छुट्टी रहती है, और इतनी भुंडी कड़ाके की ठंड में उसको हाथ पैर तोड़ के और खेत, गेहूं के खेत के बीच में डाल दिया जाता है। क्या कुछ गुजरी होगी उस लड़के के ऊपर जब वो पूरी रात ठंड में तड़पता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा और कोई आसपास सुनने वाला भी नहीं था। तो भाई साहब आपको कैसे पता चला? फिर हमारे पास जी सुबह जिन्हों गांव वाले गए हैं उन्होंने देखा है, तो हमारे पास आया है उसका सरपंच साहब का फोन आया, सूरजवान जी का, भाई ऐसे ऐसे तेरे भाई का मर्डर कर दिया गया यहाँ पे। तो हमने कहा मक अंकल जी कैसे हो गए, इन्हू बोले भाई यहाँ पे रात को पी पा रहे होंगे ये, और जो इसके साथ था वो इसका मर्डर करके चले गए हैं। तो जब हम पहुंचे हैं मौके पे, जो ठेके वाला है, हाँ जी वहाँ ठेके के पास हुआ है ना मर्डर इसका, तो ठेके वाले ना तो देखे होंगे ना कौन बंदे थे, कौन पी रहे थे इसके साथ। ठेके वाला कोई नहीं बता रहा हमारे को, कुछ नहीं बता रहा जी। वो ठेके वाले से हमने सुबह भी, मैंने आज भी बात करी है, तो उसने बोल दिया कि भाई यहाँ से तो दारू नहीं ली, यहाँ पे आया नहीं, ये कह रहा है वो। तो कमरे में तो भैया तो देखो सरासर झूठ है भाई, जब ठेके के पास बंदा मिला है और ठेके के पास ही उन्होंने दारू पी है, तो दारू लेने को पानीपत थोड़ा जाएगा यार, दारू तो वहीं से लेगा। ये तो सरासर ठेके वाला भी झूठ बोल रहा है भाई साहब। किसी गरीब आदमी को न्याय मिल जाएगा, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो बता दो सच्चाई क्या है। तो और क्या कुछ प्रशासन से अपील करना चाहोगे भाई साहब? प्रशासन से जी हम तो ये अपील करना चाहेंगे, और इस सरकार से भी, हम हमारे को न्याय मिलना चाहिए, इन छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, इनको इनकी परवरिश कौन करेगा? जो इनके सर पे साया था माँ बाप का वो उड़ी गया, उसकी मम्मी तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। हम तो सरकार से ही कहेंगे इन दोषियों को फांसी होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। तो भाई आप देख सको परिवार जो है खून के आंसू रोने लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं, अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पापा किस टाइम आवा घर पर। तो पापा अब इनको क्या पता बच्चों को कि वो कभी नहीं आएंगे। फिलहाल इन्हीं दुखद तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अब इस वीडियो ने लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो फतूर, ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए भाई, और मुजरिम जो है सलाखों के पीछे चले जाए, और इन छोटे छोटे बच्चों को भी जो है थोड़ी शांति पड़ जाए। अब भाई हमारे पिताजी के हत्यारे जो है वो पकड़े गए। तो जय जवान जय किसान, जय हरियाणा जय हरियाणवी, धन्यवाद भाई।